Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video I'm going to review my favorite sunscreen of all time. So this is actually one of my favorite sunscreens. So two sunscreens hain jo meri hamesha constant rehti hai, unme se ek hai ye. This is by Neutrogena. This is their dry touch sunscreen aur itni amazing sunscreen hai. Review karne se pehle main aapko bol diya hai, हम सबको पता है सनस्क्रीन लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम सब लोग स्किप कर देते हैं. क्यों स्किप कर देते हैं? ऑयली हो जाती है स्किन, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है. बहुत सालों तक मैंने भी सनस्क्रीन को स्किप किया है. मैं अभी भी थोड़ी चीटिंग कर लेती हूँ जब बहुत ह्यूमिड वेदर होता है, तो एक्चुअली मैं काफ़ी चीटिंग कर लेती हूँ कि हाँ यार छोड़, कौन लगाएगा सनस्क्रीन. बट आई बिलीव कि सनस्क्रीन आपकी स्किन को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करती है. अगर आप कोई भी एंटी एजिंग क्रीम नहीं लगा रहे, कोई भी ऐसा फेस पैक नहीं लगा रहे, या कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे जो आपकी स्किन को कोई और बेनिफिट दे, एज इन एंटी एजिंग बेनिफिट या सन डैमेज से प्रोटेक्शन दे, आई थिंक आप सिर्फ सनस्क्रीन लगा लो. ठीक है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं. कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, कोई ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, किसी ब्राइटनिंग सिरम की जरूरत नहीं, किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं. ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, एंड उनमें से मेरी फेवरेट है ये न्यूट्रोजिना ड्राई टच सनस्क्रीन. इसका पूरा नाम है न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक. या सो दिस हैज गॉट एसपीएफ ऑफ 50 प्लस, पीए ट्रिपल प्लस इन इट, एंड दिस इज देयर अल्ट्रा लाइट क्लीन फील सनस्क्रीन. सो इसमें हेलियोप्लेक्स है. हेलियोप्लेक्स क्या है? आपकी स्किन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स कि वो UVA एंड UVB दोनों रेस से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सो आजकल बहुत सारी सनस्क्रीन हैं मार्केट में, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन. बट न्यूट्रोजिना की ये जो सनस्क्रीन है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में भी रही है पिछले दिनों की. कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है. बहुत ज़्यादा यू नो यूट्यूब पर भी इसका कॉन्ट्रोवर्सी चलता रहता है, बट मुझे ये बहुत पसंद आती है. अब आप सोचोगे कि अगर तुझे इतनी पसंद है तो तूने कभी इसका रिव्यू क्यों नहीं किया पहले? क्योंकि गाइस, बीइंग अ यूट्यूबर कभी कभी ऐसा होता है आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं कि आपको जिनका रिव्यू आपको लगता है ये पहले करना चाहिए या मार्केट में ये ज़्यादा चल रहा है. न्यूट्रोजिना का ये वाला जो प्रोडक्ट है, दिस इज लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट्स जो न्यूट्रोजिना का है. सो आई जस्ट थॉट कि ठीक है, कौन ही देखेगा इसका रिव्यू. बट As my channel is growing, I thought कि चलो मेरे thoughts भी आप लोगों के साथ share कर देती हूँ कि मुझे ये sunscreen पसंद है, नहीं पसंद है, क्यों पसंद है, क्यों नहीं पसंद है. Firstly, मैंने आपको बता दिया ये UVA एंड UVB दोनों से protection देती है. Secondly, ये water resistant है. सो अगर आप swimming वगैरह करते हो या आपको बहुत ज़्यादा sweating होती है तब भी आपके लिए बहुत यू नो काम की रहेगी ये. देन 88 ml का प्रोडक्ट है, एंड फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फॉर आई बिलीव 675 की है, बट नायका वगैरह पे आपको पता है डिस्काउंट आता रहता है, सो यू कैन ईजिली ग्रैब इट फॉर लाइक 500-550. थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मैं मानती हूँ इस बात को कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट इट इज टोटली वर्थ इट. सीरियसली मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आप इसको फेस पर यूज कर सकते हो, आप इसे बॉडी पर यूज कर सकते हो. बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, एंड कोई वाइट कास्ट कुछ भी नहीं छोड़ती है, कुछ भी नहीं, कोई वाइट कास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं. मेकअप के अंडर बहुत अच्छे से यू नो सिट होती है. इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग एनी मॉइस्चराइजर, कभी कभी मैं मॉइस्चराइजर को स्किप कर देती हूँ बट सनस्क्रीन में जरूर लगाती है. देखो, कोई वाइट कास्ट नहीं, कुछ नहीं. और थोड़ी ना इसकी फ्रेगनेंस मुझे नहीं पसंद है. ऑनेस्टली मुझे न्यूट्रोजिना के प्रोडक्ट्स की ना फ्रेगनेंस ज़्यादा पसंद नहीं है. ठीक है, सो कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, ज़रा भी चिपचिप नहीं करती. दैट इज़ वाई आई थिंक इसका नाम है ड्राई टच. एक्चुअली में ड्राई नहीं रखता, मैटिफाई नहीं करती है कि आपको लगेगी कोई ड्राई पैचेस क्रिएट कर दे. नहीं, बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्स्चर बना देती है. मेकअप बहुत अच्छे से सिट होता है इस पर. अगर आपने मेकअप नहीं भी करना है तब भी डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी सनस्क्रीन है. अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्किन आपकी ऑयली हो जाती है सनस्क्रीन यूज़ करके, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो. इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो. दिस इज नॉन कॉमेडोजेनिक, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू क्लॉग योर पोर्स. काफ़ी सारी सनस्क्रीन जो है आपके पोर्स को क्लॉग कर देती हैं एंड उसकी वजह से एक्ने पिम्पल हो जाते हैं, बट इस सनस्क्रीन को यूज़ करके आपके पोर्स वगैरह कुछ भी क्लॉग नहीं होंगे. मुझे ये कितनी पसंद है मैं आपको दिखा देती हूँ. ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे पास इसका बैकअप है बंद का बंद. सो मैं आपको एक्चुअल में दिखा सकती हूँ ये मुझे कितनी पसंद है.
बट बिकॉज मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे प्रोडक्ट्स को ट्राई करना पड़ता है, मुझे पीआर में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते और उनको ज़्यादा रीस्टॉक नहीं कर पाते, अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमने रिव्यू के लिए लिए हैं या जो ब्रांड ने हमें भेजे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. सो इसीलिए मैं कभी कभी यू नो स्किप कर देती हूँ इसको रीस्टॉक करना. बट पीछे कोई सेल लगी थी आई थिंक नायका पे, तो मैंने इसे रीस्टॉक कर लिया था. सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा चलो अब इसका यू नो रिव्यू वगैरह भी कर देते हैं आपके साथ. मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ. सो न्यूट्रीजिना अल्ट्रा श्योर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50+ PA++ इज अ ब्रेक थ्रू इन सन प्रोटेक्शन. स्टेबलाइज विद हेलियोप्लेक्स इट प्रोवाइड सुपीरियर बैलेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्किन एजिंग UVA एंड बर्निंग UVB रेज एंड कंबाइंस इट विद ड्राई टच टेक्नोलॉजी फॉर एन अल्ट्रा लाइट नॉन शाइनी फिनिश. दिस लाइट वेट सनस्क्रीन हैज अ लाइट फ्रेश सेंट जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है एंड इज जेंटल इनफ फॉर इवन फॉर सेंसिटिव स्किन. सो इन केस यू हैव लाइक वेरी सेंसिटिव स्किन इवन देन दिस इज सुटेबल फॉर यू. दिस इज वाटर रेजिस्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट एंड रेजिस्ट रब ऑफ. सो ऐसे कभी कभी ना कुछ सनस्क्रीन होकर एकदम बॉल अप कर जाती हैं आपकी स्किन पे, बट वो नहीं होगा, ठीक है. एंड दिस इज नॉन कोमेटोजेनिक, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू क्लॉग योर पोर्स. दिस इज ऑयल फ्री एंड दिस इज PA/BA फ्री, ठीक है. सो गाइज ऑल इन ऑल मैं आपको इतना बता देती हूँ मेरा सनस्क्रीन को चूज करने का मेन मोटिव क्या होता है. उसमें UVA एंड UVB प्रोटेक्शन हो, ठीक है, मुझे पसीना ना आए ज़्यादा, उस पर मेकअप अच्छे से सिट हो ताकि मैं उसे डेली यूज़ कर सकूँ. सो ये तीनों चीज़ें सनस्क्रीन में है. इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता. ऑल दो मुझे इतनी वाइट कास्ट से प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई फील कि कुछ सनस्क्रीन के वाइट कास्ट होते हैं स्किन पे इन 5-10 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. हाँ, उन सनस्क्रीन से जरूर प्रॉब्लम है जिनका वाइट कास्ट पूरा आपके यू नो बॉडी पे रह जाता है या फेस पे रह जाता है. बट काफ़ी ऐसी सनस्क्रीन हैं जो मुझे पसंद हैं और जिनका हल्का फुल्का वाइट कास्ट आता है बट थोड़ी देर में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, बट इसका ज़रा भी नहीं आता. दिस इज लाइक वेरी गुड, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट दिस इज टोटली वर्थ इट गाइस. एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. 15-20 मिनट्स स्टेप आउट करने से पहले आपको लगानी है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं कभी कभी इमीडिएटली लगा के बाहर चली जाती हूँ, टाइम ही नहीं होता. सो यू शुड नॉट रियली स्किप ऑन योर सनस्क्रीन. लगा के चाहे बाहर चले जाओ, यार ये लोग तो बोलते हैं 15-20 मिनट पहले लगानी है, बट नहीं होता टाइम, मेरे पास नहीं होता. मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है. सो ऑल इन ऑल मैं बोलूँगी अच्छी सनस्क्रीन है. अगर आप ट्राई करना चाहते हो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो. इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आपको लगता है ना आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं आपकी स्किन पे कि मॉइस्चराइजर है, सिरम है, सनस्क्रीन है या ये है वो है, सो आप अगर इस सनस्क्रीन को यूज़ कर रहे हो तो दिस इज लाइक मॉइस्चराइजिंग इनफ फॉर योर स्किन. सो आप अपने मॉइस्चराइजर को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन एक्चुअली स्किप ऑन अ वेरी थिक मॉइस्चराइजर इवन इफ यू हैव लाइक वेरी ड्राई स्किन, क्योंकि ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी कर देती है. सो कभी कभी होता है ना हमें लगता है बहुत गर्मी है और हमसे नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है सनस्क्रीन वगैरह लगा के. सो आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप बिना मॉइस्चराइजर के भी एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो, रैदर किसी भी सनस्क्रीन को. मेरे साथ यही होता है अक्सर, मुझे ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करके, सो मैं क्या करती हूँ मॉइस्चराइजर को स्किप कर देती हूँ एंड देन आई यूज इट. अदरवाइज कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी है, देन ऑब्वियसली मैं ऑल टुगेदर सनस्क्रीन स्किप कर देती हूँ, चीटिंग तो बनती है, ठीक है. तो चलो जी, यही था मेरा मिनी रिव्यू. अगर आप ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. न्यूट्रीजिना की सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी, मेरी फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट. मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ यही पसंद है मुझे, दिस वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन. सो या दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय बाय.